अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ लाइव स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। वकला ने कहा शहबाज शरीफ अहम अमूर में मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सकेंगे। तोहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज इमरान खान जाती हैसियत में तलब होंगे। गुज़श्ता समाअत में अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया था। फवाद चौधरी और असद उमर को भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। शहजाद वसीम का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का इक्तदार में आने का मकसद करप्शन केसेज में रिलीफ लेना था। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और दाखिली सूरत हाल पर बातचीत होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तजावीज देंगे। हुकूमत की जिमनी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान खान ने बड़े जलसों का आगाज कर दिया। आज ननकाना साहब में पिंडाल सजेगा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव।